हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस रिलेट अबाउट कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। फोर्सेस क्या होती हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। अब फोर्स के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि एक ये बुक रखी हुई है इस टेबल के ऊपर रखी हुई है। अगर हम इस पर कोई एक फ़ोर्स लगाएं, इधर से कोई फ़ोर्स लगाएं, तो ये फोर्स लगाने से इसकी जो बुक है ये चेंज हो रही है, इसका जो देखिए मोशन हो रहा है। जैसे हम इधर लगा रहे हैं तो ये इस तरफ जा रही है, तो बुक जो मूव कर रही है फोर्स लगाने की वजह से, तो फोर्स की वजह से, फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से इसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। ये रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन में रखी, बट वी आर अप्लाइंग फोर्स बाय फिंगर्स, नाउ इट इज़ मूविंग। सो और ये अगर मूव कर रही है कोई चीज़, तो हम इस पर हाथ लगा के रोक दें। जैसे एग्जांपल हम ले लें सिंपल एक बॉल का, तो बॉल ये जा रही है, लुढ़क रही है और हम इसको इस तरीके जा रही है, हम यहाँ पे हाथ लगा के रोक दें, तो दोनों स्टेट जो है रेस्ट ऑफ रेस्ट भी हो चाहे आपकी मोशन की हो, दोनों को ये चेंज कर सकती है। इसके बाद दूसरा क्या करती है, इट कैन चेंज द साइज़ और शेप ऑफ बॉडी। अगर ये बॉडी, अगर हम ये ले रहे हैं बॉल ले रहे हैं और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं, तो ज़रा इसका ध्यान से देखिए डायमेंशन चेंज हो गया है, ये बड़ी अजीब सी फैल गई है, साइज़ इसका बिखर गया है, बल अलग हो गया है। सो ड्यू टू द दिस फोर्स वी कैन चेंज शेप और साइज, वी कैन चेंज रेस्ट पोजिशन, रेस्ट और मोशन वॉट एवर बी देयर। ओके, तो ये दो चेंजेस, ये दो कॉज हमको मिलते हैं, दो इफ़ेक्ट मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं फोर्स के जो हैं। ओके, इसके बाद आपकी फोर्स जो है वो होती क्या है, तो इन दोनों बातों को मिलाने पे जो बनी, दोनों बातें कौन सी, कि जो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, और या इट कैन चेंज द साइज द शेप और बॉडी। अब इन दोनों को मिलाने पे हम क्या कहेंगे, अ फोर्स इज़ दैट फिजिकल कॉज, वो कारण है जिसकी वजह से विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। कभी कभी होता है कि नहीं हमें चेंज दिख रहा है, लेकिन उसमें चेंज करने की टेंडेंसी है, आइदर द साइज और शेप, ओके, और द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर हम इस पर बहुत हल्की सी फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से ये नहीं शिफ्ट हो रही, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो टेंडेंसी है कि बुक इज़ मूविंग नाउ, ओके, तो इस तरीके से स्टेट चेंज हो गया। इसी तरीके से हम शेप चेंज को भी ले सकते हैं। देन वी कैन डिस्कस टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कितनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस किस तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। वन इज़ नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स, अनदर इज़ नोन एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, अब जरा कॉन्टेक्ट फोर्स को देखिए क्या होती है, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टेक्ट विद देम, वो फोर्स जिसमें कि फोर्स का बॉडी के साथ फिजिकल टच हो, फिजिकल कॉन्टेक्ट में आई हो, वो कहलाती हैं आपकी कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब जब बॉडी एक दूसरी के साथ में टच में आएगी, कॉन्टेक्ट में आएगी। अब इसके एग्जांपल सारे दुनिया भर के हैं, तीन एग्जांपल छोड़ के, अभी वो तीन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, ओके, फॉर टेंशन फोर्स, फिर एक्स फोर्स एक्सलेटेड बाय स्प्रिंग, देन फोर्स एक्सलेटेड बाय कोलिजन। अब जरा थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने नाम लिया फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे काम करेगी। अगर मान लीजिए ये बुक है हमारी, ये मूव करना चाहती है और मूव करते हुए, तो ये मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका अपोज करेगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, बॉडी इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, देन नाउ वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दिस बुक, बट फोर्स का वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, तो उसके अपोजिट में जो ऊपर फोर्स काम कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो बुक पे काम कर रही है, नॉर्मली काम कर रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो योर विच फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, इसी तरीके से अगर हम दो बॉडी ले लें और दोनों बॉडी, एक बॉडी ये बॉल ली और एक ये ले ली, और दोनों के उससे कोलिजन जो हो, टकराने लगें, एक दूसरे से टकरा जाएं, तो टकराने पे ये अलग इधर चली जाए, उधर चली जाए, मोशन में चेंज हो जाएगा। सो कोलिजन की वजह से भी जो हमको फोर्स मिलेगी वो कॉन्टेक्ट फोर्स है।
इसी तरीके से ये हमने ये लिया है, ये थ्रेड स्ट्रिंग है और इसमें एक विसिल बंधी हुई है। ओके, अब ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम इसको एक रिजिड पॉइंट से बांध के ऐसे लटका दें, तो सीधा कर दें, तो आपका क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है ये सीधी काम कर रही है। तो टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रही है, इस टेंशन की वजह से ये आपकी जो ये विसिल है ये नीचे नहीं गिर रही है, क्योंकि फोर्स mg नीचे काम कर रहा है तो टेंशन उतना ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो टेंशन फोर्स इज़ ऑल्सो योर कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकली कोई भी टच नहीं होगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली इन टच, कोई भी फिजिकली इन टच होंगी इस तरीके के नॉन कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। इसमें एक हम कीवर्ड याद रखेंगे, जेम, GEM, जेम। ओके, जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ओनली दीज थ्री फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, रेस्ट ऑल विल कम इन योर कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो बाकी सारी हैं, बस आपका जेम को छोड़ के। जेम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। अब ये जितनी भी फोर्सेस हमको मिलती हैं, ये मान लीजिए एक मास ये रखा है, एक ये रखा है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो ये देखा गया ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो भी है यहाँ पे उनके चार्जेस का या मैग्नेटिक मोमेंट्स उन पे डिपेंड करती है, और इनके बीच के लगने वाला जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा देंगे उतनी फोर्स कम होती जाएगी, जितनी हम डिस्टेंस को कम करेंगे उतना फोर्स बढ़ती जाएगी। आई टोल्ड यू इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द, अगर सपोज मान लीजिए r डिस्टेंस है, नाउ वी आर कीपिंग 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या हो गया, 4r स्क्वायर, यानी कि पुरानी वाली फोर्स का 1/4 जो है वो आपका 1/4 डिस्टेंस, यानी जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, मैंने क्या कहा डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स विल रिड्यूस, तो 1/4 टाइम्स इट विल रिड्यूस। सो दीज वर रिलेटेड अबाउट अवर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई होप सो यू अंडरस्टूड दीज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वेयर कॉन्टैक्ट फोर्स में जो है फिजिकली टच में आएंगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये बिल्कुल जो है फिजिकली इन टच रहेंगी, विदाउट बीइंग फिजिकली इन टच। ओनली थ्री एग्जाम्पल्स आई गेव यू क्लू, जेम, जेम को छोड़ के बाकी सारी फोर्सेस एग्जाम्पल जो भी हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्स में है, चाहे वो स्प्रिंग के केस में हो, चाहे कोलिजन का केस हो, रिएक्शन फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो। सो इन दिस वे वी हैव सीन नाउ कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, एंड आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स फोर्सेस। थैंक यू।